चलो फोर हाँ यस मैम वैशाली मैम ना कैसे बुलाएंगे आप? ओके क्या बुलाएंगे? इन्फॉर्म करना कोल्ड फ्लू कसा इन्फॉर्म करना की कोल्ड फ्लू ओपीडी ग्राउंड फ्लोरला किंवा ओपीडी डिलेक्स रूम मध्ये किंवा लोकेशन सांगणार आहे ना कुठे फोन करणार तुम्ही जिथे सिस्टर काउंटर किंवा माहित आहे का एक कॉमन आपण नंबर करूया है ना कोई भी एक काउंटर पे 110 कर दिया 121 कर दिया या 200 कर दिया सो दैट नंबर एवरी वन शुड नो वहां पे करना है सर क्या नंबर है 300 सबको आता है 30 बराबर सबको मालूम है आपको किया भी है सबको मालूम है ठीक है ना तो सीपीआर सबसे पहले आना चाहिए नंबर वन राइट क्या रेट से करना है तो 30 करना है लेकिन ऐसे से नहीं करना है व्हाट इज द रेट 120 to 150 पर मिनट वो रेट से करना है सीपीआर सबको सीपीआर का एक अलग से पैकेज करते हैं पर कोर्ट ग्रुप में हम नहीं कैसे करते हैं सपोज ओपीडी एरिया में ये मैच को लैब से भी कोई है इमीडिएटली फर्स्ट क्या करेंगे तीन टीम बनाएंगे जितने भी स्टाफ को भी सपोज किया है आई मीन से 30 स्टाफ या 15 स्टाफ सबको नंबर डालेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एक नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे वार्ड के अंदर अगर कोई ऐसा हो वार्ड में भी हो सकता है एनी टाइम ऑफ द वार्ड ये सब आपने देखा ऐसा क्वेश्चन है अगर टेस्ट चेक किया और यू वांट हेल्प इमीडिएटली आप फोन करेंगे 30 पे जैसे 30 विल बी वेरी क्लियर हां आप बोलेंगे कि डिलेक्स रूम नंबर फर्स्ट फ्लोर पे फोर ब्लू कोड में दो बार की तीन बार बोलना चाहिए मैम सो दैट क्लियर है कभी हो सकता है एक बार कोड भी बोला और शायद नेक्स्ट डे के बाद डिस्टर्बेंस दे रहा हो से कोड ब्लू सिचुएशन कोड ब्लू तीन बार लोकेशन जैसे उसने सुनी वो वाला सुनेगी वहाँ पे इमीडिएटली एक सिस्टर वो लोकेशन पे आएगी क्यों आएगी एक सिस्टर क्योंकि आपको क्योंकि आप फोन करके क्या करोगे सीपीआर स्टार्ट करोगे कितना टाइम लगा आपको फोन करने में 15 सेकेंड में दैट लेडी इज गेटिंग हेल्प तुरंत आपको वहाँ पे जिसने फोन किया ना आपके 300 नंबर पे वहाँ से एक सिस्टर आपकी आएगी आपके पास टू रिलीव यू जैसे आप दूसरा सिस्टर क्या करिए वहाँ पे क्रैश कार्ड लेके आ जाएगा इमीडिएटली आपका क्रैश कार्ड लेके इमरजेंसी ट्रे जो है वो लेके आ जाएगी और जो सिस्टर जो फ्री हो गई है ना अभी वो सिस्टर डॉक्टर को इमीडिएटली फोन करेगी या डॉक्टर आ रहे हो अगर आ जाएंगे तो उसको समझाएगी कि जो दैट सिस्टर इज द ट्रीटिंग सिस्टर उसको मालूम है कि क्या मेडिकेशन चल रहा है पेशेंट का हिस्ट्री क्या है उस सिस्टर को खिला मानी वो सिस्टर बात करेगी और मेन माई पार्ट क्या करते हैं दूसरी एक स्टाफ है जो ऑटो वाले होंगे स्ट्रेचर लेके पहुँचेंगे वहाँ पे इफ नीडेड जैसे आई सी यू से काम लेंगे तो आप मुंडिया में ना करते हैं आलते तीन चार लोग खा जाते हैं साथ में कुछ भी होता है बाद में फिर वो फिर बाद में देश का तो यहाँ पे तीन चार टाइम एक आदमी भाग के आया लीड करने के लिए सेकेंड इज कमिंग विद द क्रैश कार्ड बाय द टाइम डॉक्टर कमिंग इज फाइन अदरवाइज जो सिस्टम फ्री हो गई हो डॉक्टर को कॉल करेगी जो भी वॉट एवर ही इज टेलिंग यू विल इम्प्लीमेंट दैट इमीडिएटली बाय द दूसरा सिस्टम क्या करेंगे लिफ्ट जो भी फ्लोर पे है लिफ्ट आपको फ्लोर पे आके दरवाजा खाली खुला छोड़ के छोड़ दोगे क्योंकि लिफ्ट से हो सकता है पेशेंट को नीचे लाना पड़ेगा या ऊपर ले जाना पड़ेगा आई सी यू है सेटअप है किधर है बच्चों अगर एन आई सी यू में ले जाना है तो दैट पैरेलली एवरीथिंग विल बी गोइंग एम्बुलेंस को फोन करके कर देंगे तो एक दो मिनट के अंदर तीन मिनट में एवरीथिंग इज पैरेलली आप कर रहे हैं तो पाँच छः लोग शेयर एक वीडियो देखते हो और सब सिस्टम लोग एक साथ में जमा हुए हैं कुछ देख रहे हैं कुछ फिर एक फ़ोन कर रहे हैं फिर हो रहा है फिर तीन चार लोग जमा हो रहे हैं तो टाइम सिंपल है सिस्टम के साथ बढ़ रहे हैं एक काउंटर का एक सब केस हाँ ये सिस्टम आगे बढ़ा सकते हैं
यस सर, पाच पन्नास तिकडे येऊन गोंधळ घालायचा नाही, प्रत्येकाने शांतता लोकांचे करायचं होतं, आपल्याला हेल्प लागते. एक सिस्टर आहे डिलिव्हरी करते आणि ती बोलायच पेशंट, तर त्या सिस्टरने चालू फोन करून बोलायचं. सी पी आर ते कसं आहे तर ते थकतो आपण सी पी आर, एक मिनिट आता दुसरा माणूस येऊन त्यांनी सी पी आर द्यायचं असतो, कसं घ्यायचं आपण त्याला परत दिलं. तिसरा माणूस काय करतो परत बसत नाही, तिसरा माणसं घेतात पाठी काय करायचं आमचा करतो आणि ते इमर्जन्सी प्ले आणतोय. तसं ते चेक करायला का पाहिजे महत्त्वाचं त्याचं आहे, तिकडे येणार आणि तिकडे नसणार, तिकडे ब्रेकमध्ये अनुभव आले आहे काय आहे. आम्ही दुसरा माणूस डॉक्टरला बोलतो, आता हे ठरलेलं पाहिजे डोक्यामध्ये तर काय झालं ना, पण सगळं सगळेजण आपल्या काही पुरा होत आहे तसं नाही. मी बोल करते की डॉक्टर बोलते मी क्रॅश कार्ड आहे वन नंबर, जो भी नंबर होगा आपके सीधा रिलीफ करने आए, उसको कुछ भी काम नहीं है, वो क्रैश कार्ड भी नहीं लाएगी, सीधा उसको रिलीफ करने आएगी. सो दैट वो रिलीफ होने के बाद काय करणार तुम्ही, ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन येणार नाही आपल्याकडे, तुम्ही ते ऑक्सिजन सिलेंडर आलात का काय आला आहे म्हणून निगेज मागायचं, ते ऑक्सिजन सिलेंडर का नाही येणार माझ्यापर्यंत, तो वेळ करायचा नाही पेशंटचा. काय करायला तुम्ही आता तुम्ही चौकीकडे असता, तुम्ही चौकी असता की नाही सिस्टरला तिथून ऑक्सिजन सिलेंडर यायला वेळ लागेल की नाही. बाकी सगळीकडे आपण सेंट्रल ऑक्सिजन का घेतला आहे, ऑक्सिजन सिलेंडर न्यायला वेळ लागतो, तिथे आपण घेतलं नाही काय करायला, चेक करायला लागेल तुम्हाला तो कमी लागतो, स्वच्छ भारत किती वेळ लागतो एकदा लागतो, जेव्हा लागेल तेव्हाच भरलेला नसेल, जो दर वेळेला लागतो ना त्यावेळेला प्रॉब्लेम नसतो, एकदा लागतो तेव्हा प्रॉब्लेम येतो. पहिली गोष्ट काय करायला पाहिजे ऑक्सिजन सिलेंडर, काय तुम्हाला एक सिलेंडर ठेवा इकडे ऑक्सिजनचा से आपको लेके आए, कैसे आप कितने टाइम में उसको लेकर आया.